उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुष पर्यटन ग्राम को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। सरकार पहले चरण में 20 होम स्टे ग्राम को आयुष ग्राम बनाने जा रही है। इस आयुष ग्राम में हर्बल गार्डन के साथ ही 10 बेड वाला एक वेलनेस हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे, जहां पर्यटकों के इलाज व पंचकर्मा के माध्यम से स्ट्रेस फ्री करने की भी व्यवस्था होगी। केरल के तर्ज पर पर्यटकों को पहाड़ की वादियों, ग्रामों, यूनानी चिकित्सा, वेलनेस तथा जड़ी बूटी के माध्यम से आकर्षित व कनेक्ट करने की योजना है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा और पर्यटकों को आकर्षित भी किया जा रहा है। आयुष सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे राज्य में रोजगार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आयुष ग्राम बेसिकली एक ऐसे ग्राम को सिलेक्ट करके वहाँ पर आयुष से संबंधित सारी फैसिलिटीज डेवलप करने का ये कार्यक्रम है, जिसमें जो टूरिस्ट आए वो वेलबींग के लिए आए और उस आयुष ग्राम में होम स्टेज होंगे, होम स्टेज में उसके रुकने की व्यवस्था होगी, साथ में आयुष की जो पंचकर्मा प्रक्रिया होती है उसको कराने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा, साथ में एक हर्बल गार्डन भी होगा जो कि लोकल विलेजर्स के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी रखने की व्यवस्था है, ताकि जो टूरिस्ट आए वेल बीइंग के लिए वहाँ पर एक हफ्ते 10 दिन के लिए रुकता है तो उसके उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन स्वास्थ्य लाभ की सुविधा प्राप्त हो सके। ये केरला के तर्ज पे आप लोग ने डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि जो इस तरह के जो लोग थे जो केरल जाके 15 दिन 20 दिन रहते थे वहाँ पे पंचकर्मा और थकान दूर करते थे, उसी चरण में आप लोगों ने शुरू किया। ये लगभग उसी तरह के पैटर्न है, लेकिन केरला और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि उत्तराखंड जड़ी बूटियों का खजाना है, हमारे यहाँ जो हर्बल गार्डन जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं उसमें जो भी टूरिस्ट आएगा या इसका लाभ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो व्यक्ति आएगा वो केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं लेगा, उसके साथ साथ वो नेचर से भी अवेयर होगा, नेचर से परिचित होगा, जड़ी बूटियों के बारे में हमारा जो छोटी सी लाइब्रेरी होगी उसमें वो स्टडी करेगा, तो उसके बाद जो जिससे स्वास्थ्य लाभ का ही केवल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम आयुष ग्राम में लाने जा रहे हैं। अच्छा सर, अभी कितने लगभग शुरुआती